तो गाइस वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस इस वीडियो के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हम चैप्टर कर रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी इसके अंदर हमारे पास जो भी चीज़ बच गई है वो वाला हम पोर्शन लेंगे। बचा हमारे पास कौन सा है? एक तो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक हमारे पास बचा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, यानी हमारे पास जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर था? हमारे पास एनिमल्स के अंदर था, यानी वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा था। अब प्लांट्स के अंदर भी तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट करवाए चीज़ों को। तो प्लांट के अंदर हमारे पास ऐसी क्या चीज़ होती है? जैसे हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी होती है, जैसे लीव्स होती हैं। लीव्स क्या है? खाना बनाएंगी। तो ये खाना हमारे पास जो स्टोर्ड होगा ये कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ये स्टेम वाले पोर्शन में भी जाना है हमारे पास, रूट वाले पोर्शन पे भी जाना है। तो कौन पहुंचाएगा इसको वहां तक? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, एक पाथवे चाहिए। अब देखो हमारे जो प्लांट होते हैं इनके अंदर दो चीज होती हैं जो ये ट्रांसपोर्ट करवा पाती हैं। एक होता है हमारे पास जाइलम कहते हैं इसको, और एक होता है जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके होते हैं, यानी हम कंडक्टिंग ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, कंडक्टिंग ट्यूब बोल सकते हैं। यानी हमारे पास ये प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो जाइलम होता है ये क्या काम करेगा, जो वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, जो भी ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, वो वाले हिस्से को अगर उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो कौन करवाएगा? हमारा जाइलम करवाएगा। ठीक है, फ्लोएम जो होता है ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा जो भी हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो भी खाना हमारा बना है वो खाने को ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, यानी लीव्स से कहाँ से शुरू करेगा, लीव्स में ही तो बन रहा है हमारा, तो लीव्स से ये बाकी पार्ट जो भी हमारे पास बॉडी पार्ट बचा है प्लांट का उस पार्ट्स तक ये पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम एक होता है, एक हमारे पास क्या होता है, जाइलम होता है। ठीक है, इन्हीं को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब वही है, कंडक्ट करके रखता है जिससे ट्रांसपोर्ट जो हो वो इजीली हो सकता है, एक पार्ट किसी भी बॉडी का एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट यानी अनदर पार्ट तक अगर कोई भी चीज लेके जा रही है तो वो कौन से टिश्यू लेके जाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू लेके जाते हैं, जिसमें से एक हमारे पास क्या है, जाइलम है, एक हमारे पास क्या है, फ्लोएम है। और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते क्या है, वस्क्यूलर बंडल के अंदर आते हैं, वस्क्यूलर बंडल। ठीक है, इन्हीं को वस्क्यूलर बंडल भी बोला जाता है। वस्क्यूलर बंडल में ये दोनों आएंगे, यानी जाइलम भी आएगा और हमारे पास फ्लोएम भी आएगा। जो वस्क्यूलर बंडल हमारे बने होते हैं, जैसे ये ट्यूब है जिसको हम वस्क्यूलर बंडल बोल रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास दो साइड होती है, एक हमारे पास अंदर साइड होती है और एक हमारे पास बाहर की साइड होती है। यानी ये हमारे पास अगर स्टेम है तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे वस्क्यूलर बंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे वस्क्यूलर, या फिर हम डायरेक्टली इसको यहाँ पॉइंट कर देते हैं, ये वस्क्यूलर बंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो अंदर की साइड, एक हमारे पास क्या है, अंदर की साइड है और एक हमारे पास क्या है, बाहर की साइड है। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। जब भी अंदर की बात करें तो अंदर वाले हमारे पास कौन से होते हैं, जाइलम होते हैं, और बाहर वाले हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। तो फ्लोएम क्या करते हैं, खाने को जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वो फ्लोएम होते हैं, जो भी पानी मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वो जाइलम होते हैं, और जाइलम हमेशा अंदर की साइड पे होते हैं। अगर वस्क्यूलर बंडल, ये पूरा क्या है हमारे पास, वस्क्यूलर बंडल है, अगर इसकी बात करें तो दोनों में ऐसे ऐसे चीज होती है, यानी अंदर बाहर कौन सा होता है ये आपको पता चल गया है। अब आता है हमारे पास जो जाइलम होगा, देखो जाइलम के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। जाइलम जो होगा कंसिस्ट किस किस चीज से होता है, एक तो उसके अंदर क्या होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टैकीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और हमारे पास जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों मिलके हमारे पास क्या है, जाइलम को बना रहे हैं, जो जाइलम ट्यूब हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि कैपेबल है वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, जिससे वो खींच के कहाँ पे लेके चला जाएगा, ऊपर तक, प्लांट के ऊपर तक, टिप तक पहुंच जाएगा। तो वो हमारे पास कौन करवा रहा है, जाइलम करवा रहा है, और ये इन सब चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब मैकेनिज्म कैसा होता है, हमारे पास जो फूड जैसे वाटर और मिनरल्स है ये हमारे पास कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ
वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, प्लांट के अंदर. देखो मेन चीज़ तो हमारी कौन सा कर रहा है, जाइलम ही करेगा, क्योंकि उसी का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना. तो सबसे पहले हमारे पास होगा क्या, जैसे ये हमारे पास क्या है, प्लांट है, ये आप प्लांट मान लो, और ये उसकी स्टेम है, और ये उसकी क्या है, लीव्स हैं, ठीक है. तो ये लीव्स क्या करती हैं, ये काफ़ी हेल्प करती हैं हमें. लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोमेटा. तो दिन के टाइम में ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं. क्यों, क्योंकि इनको क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे ये जो स्टोमेटा हैं ये ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने की वजह से जैसे ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनका एक्सचेंज कर रहे हैं, साथ में क्या होता है, कुछ वाटर लॉस भी होता है, यानी वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, इनमें से इवेपोरेट होके बाहर निकल गया. अब देखो इवेपोरेशन की वजह से जैसे हमारे पास कैपिलरी का एक्शन होता है ना, सेम ऐसा ही होता है इसमें भी. यानी हमारे पास क्या है, इस पूरे के अंदर ना पानी भरा हुआ है, पानी की मॉलिक्यूल्स है. यानी अगर हम ऐसे बनाएं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको. ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, बने हुए हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं पानी के. अब हमारे पास एक जो बाहर वाला मॉलिक्यूल है ना, ये उड़ गया, तो ये उड़ने की वजह से हमारे पास क्या होंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, स्पेस बन गई, और ये हमारे पास बाकी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रूट्स के साइड पे प्रेजेंट होते हैं, यानी सॉइल के अंदर हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. अब देखो हमारे पास गर्मी की वजह से या फिर स्टोमेटा ने जैसे ही ओपन खुला हो, खुलते के साथ क्या हुआ, ये वाला जो एक था ये क्या है, उड़ गया, हमारा हवा में उड़ गया. तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे स्पेस खाली बच गई. ये जो स्पेस होगी यह क्या करेगी, सक्शन बनाएगी, कहीं पे भी वैक्यूम बन जाए तो वो वैक्यूम क्या होता है, एक सक्शन का काम करता है. यानी ये क्या करेगा, पुल करेगा पानी को, ये क्या करेगा, पुल करेगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेगा, खींचेगा. तो ये क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को आगे खींच लेगा. तो हमारे ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा, आगे हो जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, यानी ऐसे चलता जाएगा. और बाहर जो हमारे पास जो ऐसे खाली पड़े थे हमारे पास, जो सॉइल के अंदर वाटर था, तो वो वाटर मॉलिक्यूल अगला आ जाएगा. तो हमारी रूट जो होंगी वो एब्जॉर्ब भी इसी बेसिस पे कर रही हैं, और हमारे पास क्या है, कौन हेल्प कर रहा है, जो लीव्स हो रही हैं वो हेल्प कर रही हैं. लीव क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे स्टोमेटा को ओपन कर रही हैं, और ओपन होते के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, सक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एक अगर पानी उड़ रहा है, एक मॉलिक्यूल उड़ रहा है, तो हमारे पास और मॉलिक्यूल्स वो रूट जो होगी उसको कैच कर रही है, ठीक है. और इसी प्रोसेस से हमारे पास क्या होता है, एक पुल क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. जो भी हमारे पास इवेपोरेट हुआ है, ये जो हमारे पास इवेपोरेशन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है. ट्रांसपिरेशन क्या है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कौन से, एक्सल पार्ट से, यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, एरियल या एक्सल पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये वाले पार्ट से अगर हमारे पास जो पानी है इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है. और इसी को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो वाटर होगा वो क्या है, ऊपर तक जा पाता है, खिंच पाता है, इसी को ट्रांसपिरेशन पुल कहेंगे. अब देखो इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की हमें ज़रूरत क्या थी, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा, ठीक है. ट्रांसपिरेशन की सबसे पहले होगी एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है इसको, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, यानी ये अपवर्ड मूवमेंट करवाता है, अपवर्ड मूवमेंट. जो भी सेल का अगर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं. यानी हमारे पास वाटर और मिनरल्स क्या हुआ, ऊपर की साइड खिंच रहे हैं, जिससे प्लांट की चोटी तक हमारे पास, जो लास्ट में हमारे पास लास्ट वाली पत्ती भी है, तो उस तक भी हमारे पास क्या है, पानी जो है वो पहुंच रहा है, ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या होगा, रिमूव करवाता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर. जितना भी एक्सेस पानी प्रेजेंट है वो भी हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, इवेपोरेट करवा रहा है, जो भी एक्सेस पानी हो वो उड़ा देगा. जब भी हमारे पास कहीं से भी पानी उड़ता है तो वो क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है. तो ये प्लांट्स को कूल करने का काम करता है, क्योंकि इवेपोरेट, जैसे ही जहाँ पे भी एरिया पे पानी जो होगा वो इवेपोरेट होता है, तो वो नीचे क्या हो, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है. तो सेम ऐसे ही हमारे जो प्लांट है वो
ठंडे रहेंगे, वो जलेंगे नहीं, गर्मी की वजह से वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में तो वो हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो सक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट हमारे, सॉल्ट कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से ही मिलेंगे। पानी जैसे खींच रहा है, सेम उसी जगह से हमारे पास क्या है, सॉल्ट भी साथ में खींच जाएंगे, और जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ वहाँ पे हमारा सॉल्ट भी पहुँच जाएगा। तो प्रॉपरली इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास वाटर और मिनरल्स की बात हो गई। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट किसका करेंगे हम, फूड पार्टिकल का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। फूड हमारे पास, देखो हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो हमारे पास वाटर और मिनरल्स यानी जो जाइलम काम कर रहा है वो क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर, यानी रूट से लेगा और जो एरियल पार्ट होगा ऊपर तक लेके जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। लेकिन हमारे पास जो फूड लेके जाने का काम होता है यानी फ्लोएम का जो काम होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यानी हमारी इस पत्ती ने, जैसे ये हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास प्लांट है, इस पत्ती ने अगर खाना बनाया है, खाने का कुछ पोर्शन बनाया है, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाली पत्तियों को भी देगा, नीचे वाली पत्तियों को भी देगा और रूट्स तक भी पहुंचेगा। तो हमेशा जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है। किसके थ्रू होता है हमारे पास, जो वेस्क्यूलर बंडल में फ्लोएम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम की वजह से ये हो पाता है, ठीक है। फूड हम किसे कहते हैं, प्लांट के अंदर जो भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस करके हमने बनाया है वो क्या होता है, शुगर होती है मोस्टली। तो शुगर जो है वो हमारा फूड है, वो सिंथेसाइज कहाँ पे हुआ है, हमारे लीव्स के अंदर हुआ है, और वही हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है। साथ में हमारे पास और क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, फूड के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो ये हॉर्मोन्स भी हमारे पास कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, हमारे पास जो फ्लोएम होता है वही हेल्प करता है कि हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन वो करवा देगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास फ्लोएम है, ठीक है। अब ये फ्लोएम क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारे जहाँ पे भी फूड की ज़रूरत है। फूड की ज़रूरत ऐसा तो नहीं है प्लांट के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ही ज़रूरत है, कि ये वाला हिस्सा क्या है हमारा ग्रो कर रहा है, प्लांट को हाइट चाहिए, तो इसलिए हमारे पास क्या है, फ्लोएम का जितना भी पोर्शन होगा वो सारा ऊपर जाए। नहीं, हमारी रूट भी तो ग्रो करती हैं, तो हमारे रूट को भी तो खाना चाहिए। तो जहाँ पे भी ग्रो हो रहा है वहाँ पे तो खाना सबसे ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए जिससे हमारे पास जो सेल हो वो प्रॉपरली जल्दी जल्दी बन सके। तो फ्लोएम जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। इसके अंदर चीजें क्या क्या होती है हमारे पास, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं इनके अंदर, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होते हैं, सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे हेल्प करते हैं, फ्लोएम जो हमारे पास पूरा वस्क्यूलर बंडल है उसको हेल्प करते हैं कि कैसे ये सारे मिलके एक हमारे फूड मटेरियल जो भी हमारे लीफ ने बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकें पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन, फूड के जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, लीफ से खाना दूसरे प्लांट की बॉडी तक अगर पहुंच रहा है, पार्ट किसी और प्लांट पार्ट तक, मतलब सेम प्लांट है लेकिन उसका कोई और पार्ट तक अगर वो पहुंच रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। जैसे ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा था, पानी का पुल हो रहा था जिसकी वजह से हमारे पास रूट से पानी खींच रहा था और जाइलम जो था वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ऐसे ही फ्लोएम प्रॉपरली काम करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। ये हमारे पास फूड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब आता है हमारे पास इस जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, मैकेनिज्म है, ये कहाँ कहाँ पे टेक प्लेस करता है। देखो, एक तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, और हमेशा जब भी ट्रांसलोकेशन होगा वो कैसे, वो अपने आप से नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जाइलम के लिए हमें नहीं चाहिए थी। फ्लोएम जो होता है वो हमेशा एनर्जी के साथ ये काम करेगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह ट्रांसफर करेगा, किससे, एटीपी के होते हुए, ठीक है, एटीपी उसे चाहिए होता है वो काम करने के लिए। अब हमारे पास जो ये ट्रांसलोकेशन है ये इतना ज़रूरी क्यों है, जिससे हमारे पास पूरे सेल के अंदर
एनर्जी मिल सके, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे हर एक सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कुछ और हमारे पास जो बिल्डिंग पार्ट्स हैं, यानी जो पार्ट्स हमारे अभी बन रहे हैं, उन पार्ट्स के अंदर तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए और मटीरियल भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो वो भी साथ में हमारे पास क्या है, लाइफ बनी रहे। हमारे प्लांट की जो लाइफ है वो बनी रहे, उसके लिए क्या है, उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड चाहिए होगा। तो वो फूड हमारा कहाँ से आ रहा है, ट्रांसलोकेशन से ही तो आ रहा है। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंस होती है किसकी, ट्रांसलोकेशन की। तो गाइज यही एक लौती चीज़ जो बची थी हमारे पास इसके अंदर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट था, यानी एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पहले कर चुके थे, ये प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट के अंदर। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही पोर्शन बचता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।